वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के सामने ये अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। इसकी पैकिंग इस तरीके से इसलिए है क्योंकि मैंने अमेजन पेंट्री से सामान मंगाया था तो वो पूरे कार्टून में आया था। जैसे कुछ कुकीज़ हो गई, चाय पत्ती वगैरह ये सब हो गई, पेस्ट मैंने सब मंगाया था तो वो मैंने निकाल के रख लिया। पहले तो लॉकडाउन के जरिए मैंने 2 दिन तक ये छुआ भी नहीं। अब मैं इसकी ओपनिंग करने जा रही हूँ। तो ये है बबल्स वाले डायपर। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। तो इसको खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसकी इस हिसाब से पैकिंग नहीं है, जिसका मैं एक सीजर से इसका जल्दी जल्दी कट कर देती हूँ। मैं अपनी बेटी को डायपर बहुत कम पहनाती हूँ, कम मीन्स ना के बराबर पहनाती हूँ। आजकल तो उसकी आदत ऐसी हो गई कि वो रात को भी बेड पर सुसु नहीं करती है। वो एक बार मैं उसको करा देती हूँ और एक बार फिर मैं उसको सुबह उठते ही कराती हूँ। बीच में भी अगर वो उठ जाती है तो मैं उसको बाथरूम में ही ले जा के कराती हूँ, उसको आदत हो गई है। वो 16-17 महीने की है। ये मैंने फिर भी इसलिए मंगाया कि कहीं जैसे उसका वैक्सीनेशन का डेट होता है तो वहाँ जाना पड़ जाए या कभी भी मतलब इसका रिक्वायर हो जाए तो घर में होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये जनवरी से फिनिश हो गया था तो मैंने सोचा चलो अब मंगा ही लेती हूँ। तो ये मैंने मंगाया है बबल्स वाला डायपर। मैंने सोचा चलो एक बार यूज़ करके देखते हैं ये कैसा है। मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी खोलूँ। इसकी पैकिंग हालांकि उस हिसाब से है नहीं कि टाइम लगेगा। ये सब स्लिप लगा हुआ है, जैसे ऑर्डर किया था कब, ये सब कैश मेमो वगैरह। तो मैं इसका अच्छे से, ये 199 का है, आप देख रहे होंगे 199 का है और आई थिंक 16 इसमें वो है पैंट है। ये देखिए हम इसको खोल चुके हैं, ये सब मैं साइड में रख देती हूँ। ये देखिए आप देख रहे होंगे इस तरीके से, ये 199 का है और इसमें ये दिया हुआ है यहाँ पर मीडियम साइज़ का है और 16 इसमें पैंट है। अब हम देख लेते हैं कि बबल्स वाली पैंट कैसी है, क्योंकि अभी तक मैंने बबल्स वाला यूज़ नहीं किया था। मैं अभी खोल के देख लेती हूँ। यही मेरे पास बहुत दिन चलेंगे क्योंकि मैं मंगाती नहीं हूँ। इस तरीके से है, देखिए ये देखिए, मैं सबसे पहले तो इसको सीधा रख देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, अब इसको अंदर से चेक करने जा रही हूँ। मैं इसको पूरा फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए इसमें आपको बबल्स बबल्स दिख रहा होगा। मैंने वैसे कैमरे को पूरा सेट किया हुआ है कि वो पूरा दिखे। इस तरीके से इसमें बबल्स हैं और मैं आप लोगों को इसका जो पूरा रिव्यू दूंगी वो 2 दिन बाद और इसका 1 दिन बाद और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं अपनी बेटी को इसको पहना के देख लेती हूँ। फाइनली इसका रिव्यू कैसा है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अभी जस्ट मैंने आप लोगों के सामने ये ओपन किया है और पूरी वीडियो मैं इसकी 1 दिन और आपका लेकर पूरी वीडियो बना दूँगी। ठीक है गाइस, ये देखिए अब हम मिलते हैं 2 दिन बाद कि बबल्स क्या कितना ये है। ऐसे कोई खास इसमें नहीं है, जस्ट इसमें एक डिज़ाइन है बबल्स वाला, ऐसा नहीं है। ये देखिए वो मैं दिखा रही हूँ साइड से भी, ये देखिए गाइस। तो हम हगीज पैंट की बातें कर रहे थे। कल मैंने आप लोगों को इसका अनबॉक्सिंग दिखाया था, मैंने अमेजन से मंगाया था। तो मैंने ये रात में अपनी बेटी के ऊपर में जो एक डायपर निकाली थी वो यूज़ किया है। अभी फ़िलहाल देखो इसमें एक डायपर का स्पेस बना हुआ है क्योंकि एक डायपर मैं यूज़ कर चुकी। हालांकि मैं अपनी बेटी के ऊपर डायपर रात में यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने उसको बार बार बाथरूम में ले जाने की आदत डाली हुई हूँ। लेकिन जस्ट आप लोगों को इसका एक्चुअल रिव्यू क्या है वो बताना था तो मैंने रात में इसको पहनाया है, ओवरनाइट पहना के रखी हूँ। तो मैं आप लोगों को इसका सबसे पहले रिव्यू बता देती हूँ, क्योंकि जो मैंने इसको पहना के सुबह इसको देखा तो मुझे इतना खास कोई बात लगी नहीं, क्योंकि हगीज़ का डायपर मैंने पहले भी यूज़ किया है। मैं सबसे पहले इसको उल्टा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने पहले भी यूज़ किया है इसमें, तो इसमें पहले में और अभी में मुझे कुछ चेंज ऐसा लगा नहीं है। मुझे एक चीज़ तो चेंज लगी है, मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को, ऑनेस्ट बताऊँगी कि जो ये बबल्स वाला है, मैं कैमरा सेट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। जो ये बबल्स वाला है ये सिर्फ एक सीट है, एक लेयर है जो इसके ऊपर चिपकाई हुई है, इसको साइड से निकाल भी सकते हैं। ये जो और डायपर है ये पहले वाला ही डायपर है, इसका पूरा मुझे ऐसा ही लगा जैसे पहले जो हगीज़ के डायपर आ रहे थे ये पहले वाले ये, बस इस पर एक ये सीट चिपकाई हुई है जिसमें बबल्स टाइप के ये बने हुए हैं और ये ऐसे डिजाइन बना हुआ है। ये देखिए मैं पूरा आप लोगों को उतार के दिखा देती हूँ।
इजीली उतर जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से जस्ट ऐसे ही इसमें लगाया हुआ है, ऐसे इसमें कोई अंदर से कोई बबल्स वाला नहीं है। ये देखिए अंदर से आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें कोई बबल्स नहीं है। ये पहले वाला डाइपर आपको मिलेगा, जो बबल्स है वो सिर्फ इस सीट में है। तो आप खुद जानिए कि ये इतना ऑब्जर्व कर लेगा, इतना ये कर लेगा नहीं। हालांकि हगीज का जो मैं डाइपर पैंट यूज़ करती हुई, मुझे पहले से कंफर्टेबल लगता था। ऐसी बात नहीं कि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, ये अच्छा लगता था। बट जो ये एक्स्ट्रा बबल्स वाला का ये था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं इसका व्यू देख लेती हूँ। तो इस पर जस्ट इतनी पतली ये लगी हुई है, ये देखिए। आप खुद जान लीजिए कि क्या इससे इतना फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने उतार के देखा इस डाइपर का, नीचे से सेम वही जो रेगुलर डाइपर होता है वो है, और ऊपर से सिर्फ इसमें ये चिपकाए हुए हैं बबल्स के लिए। अदरवाइज़ अगर आप पहले वाला पैंट यूज़ करते होंगे हगीज़ का, तो आप पहले वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बबल्स वाला ही मंगाएं। अगर आप बबल्स वाला मंगा सकते तो आप उसको ये सोच के मत मंगाइए कुछ ज़्यादा ही ऐसा करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले वाले में आपको फीलिंग्स मिलती थी वही सेम इसमें भी बच्चे को मिलेगी, ऐसा इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। आप खुद देख लीजिए इतना पतला, ये टिश्यू पेपर से भी पतला लग रहा है मुझे। ये देखिए सब इसमें दिख रहा है, ये देखिए आप खुद देख लीजिए। तो यही मेरा रिव्यू है इसमें कि इस डायपर में और पहले वाले डायपर में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसमें सीट लगी हुई, इसको बबल्स वाला पैंट बोल सकते हैं हम लोग। तो यही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी